हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द लाइव सेशन ऑफ मोनोलॉग क्लासेस। आई एम दिनेश कुमार एंड आई विल टेक 28 जून 2023 डीएनए। सो इन दिस टुडेज डीएनए आई विल डिस्कस द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ वी कम टू द फर्स्ट न्यूज, दैट इज इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, अफर्म्स पीएम मोदी। नाउ we'll understand what is uniform civil code. Uniform, so basically there is article 44 of constitution of India that provides that state shall endeavor to create or enact a uniform civil code. Means state ke part par ye duty hai ki state aisa prayas karega कि जिसके द्वारा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाएगा। डियर स्टूडेंट्स, दिस फॉल अंडर द चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 4 ऑफ द डीपीएसपी। सो पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद द डीपीएसपी। डीपीएसपी मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, वी हैव बोरोड देम फ्रॉम द कंट्री आयरलैंड and these are not justiciable. So although there is a direction for the government to incorporate all these directive principles of state policy while making any law, but these are not justiciable. Not justiciable here means that if the government does not incorporate all these policies in the law, then we being a citizen of India cannot go to the court, as we can go to the court in the case of fundamental right. So the main difference between fundamental right and directive principles of state policy is that in the case of violation of fundamental right, we can approach to Honorable Supreme Court under Article 32 and Honorable High Court under Article 226 of the Constitution of India. Now, so what is this Uniform Civil Code? The Uniform Civil Code means jo hamare personal matters. Now question arises, what are the personal matters? So there are certain matters which are personal in nature, and these includes like marriage, maintenance and adoption, succession. So ye hamare sab logo ki personal matters, these are governed by the different laws. For example, if two Hindu solemnizes their marriage, so if two Hindus solemnize their marriage, then it is governed by the Hindu Marriage Act. अगर दो हिंदू अपनी मैरिज करना चाहते हैं तो it is governed under the Hindu Marriage Act. लेकिन अब अगर दो मुस्लिम लोग शादी करना चाहते हैं, then their marriage is governed under the Muslim law. ठीक है, क्रिश्चियन शादी करना चाहते हैं, दो क्रिश्चियन, एक क्रिश्चियन गर्ल या क्रिश्चियन बॉय, तो इट विल बी गवर्न्ड अंडर द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। ठीक है, तो अभी हम सब लोगों के लिए क्या हो रहा है, सब लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं रिगार्डिंग द गवर्नेंस ऑफ आवर दिस पर्सनल मैटर्स। सो आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट एक ऐसा प्रयास करेगा जिसके द्वारा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगा, लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक भी हमारे देश में नहीं बना है। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा है के देर इज नीड टू मेक द और एनेक्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिकॉज इफ इन द सेम फैमिली देर इज वन लॉ फॉर वन मेंबर एंड अनदर लॉ फॉर द सेकेंड मेंबर, विल दैट हाउस होल्ड बी एबल टू फंक्शन। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी रेफर कर रहे हैं कि हम सभी लोग भले ही डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन हम वी ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं सारे लोग, बाद में हम किसी पर्टिकुलर धर्म को बिलोंग करते हैं। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सबके लिए एक ही सिमिलर लॉ होना चाहिए जो कि सबको गवर्न करेगा। नाउ वी सी व्यू ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो देर आर टू लैंडमार्क जजमेंट, वन इज सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सेकेंड इज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। तो इन दो डिसीजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि भारत सरकार को, पार्लियामेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। ठीक है, टू क्रिएट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, हरासमेंट ऑफ WSJ रिपोर्टर इज अनएक्सेप्टेबल, सेज व्हाइट हाउस। सो बेसिकली दिस रिलेट टू द रिसेंट विजिट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर टू USA। तो वहां पर क्या हुआ,
एक रिपोर्टर थी, द व्हाइट हाउस ऑन मंडे पुश्ड बैक स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट दोज हराशिंग सबरीना सिद्दीकी, द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टर फॉर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो उन्होंने शी आस्क्ड सम क्वेश्चंस ड्यूरिंग दैट विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द डेमोक्रेसी और रिगार्डिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, बट शी वॉज ट्रोल्ड सब्सिक्वेंटली बाई सम पर्सन ऑन इंटरनेट. So, matter has been taken into cognizance by the US White House and it said that it is not acceptable. So, basically, why it is not acceptable? Because it is against the democratic principle or it is against the right to speech and expression. So, every person has right to speech and expression. This is law in India as well, which has been provided under Article 19(1)A of Constitution of India. तो अगर कोई पत्रकार क्वेश्चन पूछना चाहता है किसी प्राइम मिनिस्टर से या किसी और लीडर से, देन दैट रिपोर्टर मस्ट नॉट बी हरास्ड बाय एनीवन बिकॉज इट इज देयर राइट. नाउ डोमिसाइल एक्ट फॉर टीचर्स जॉब इन बिहार. तो बेसिकली क्या है, बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार लेजिस्लेचर असेंबली ने कुछ रूल्स थे उनको चेंज किया है. द रूल्स आर बिहार स्टेट टीचर्स अपॉइंटमेंट ट्रांसफर एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड सर्विस कंडीशंस रूल्स 2023. तो बेसिकली अर्लियर रूल वॉज दैट इन बिहार ओनली डोमिसाइल्ड और द रेजिडेंट ऑफ बिहार कुड बी अपॉइंटेड एज ए टीचर इन बिहार. लेकिन अभी बिहार की लेजिस्लेचर असेंबली ने और गवर्नमेंट ने इसमें चेंज किया है और ये चेंज कहता है कि यहाँ पर कोई आउटसाइड पर्सन, कोई पर्सन कैंडिडेट जो कि बिहार स्टेट को बिलोंग नहीं करता, he can also be appointed as a teacher in Bihar. The teachers of Bihar or the residents of Bihar are taking this rule against their own interest. Now we come to next news. 7 products from UP get GI tag. So hum samajhte hain what is this GI tag, thoda detail mein samjhenge isko. GI ka matlab hota hai geographical indication. Geographical indication. So basically there is term intellectual property right. There is term, according to this term, there are 4 laws which governs the intellectual property rights. So basically, अभी तक हम देखते हैं कि हमारी दो तरह की property होती हैं, एक movable और एक immovable. तो movable property जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान से move कर सकती है and that is not attached to the earth. ठीक है, for example, mobile is a movable property, car is a movable property. सेकेंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक प्लॉट, हमारा घर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है. एक थर्ड काइंड की प्रॉपर्टी और होती है स्टूडेंट्स, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वो प्रॉपर्टी होती है विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंटेलेक्चुअल और द माइंड ऑफ ए पर्सन. तो यहाँ पर 4 लॉ हमारे इसको गवर्न करते हैं. पहला है हमारा कॉपीराइट, सेकेंड है हमारा पेटेंट एक्ट, थर्ड है हमारा ट्रेडमार्क एक्ट एंड फोर्थ है हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट. कॉपीराइट क्या होता है कि मान लिया अगर मैंने कोई बुक लिखी, कोई गाना लिखा, कोई कहानी लिखी, तो उस मेरी बुक या कहानी या गाने को कोई नहीं ले. सेकेंड इज द पेटेंट, अगर मैंने कोई इन्वेंशन की है तो उस इन्वेंशन पर मेरा एक्सक्लूसिव राइट होगा अगर मैंने उसको अपने नाम पर पेटेंट करा लिया है. नो अदर पर्सन कैन एब्यूज और मिस यूज माई दैट इन्वेंशन. नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क, जब भी कोई बिजनेस किया जाता है तो वो उसका एक ट्रेडमार्क होता है. फॉर एग्जाम्पल आप किसी ब्रांडेड एडिडास के जूते या कपड़े खरीदते हैं तो उस पर एडिडास का लोगो होता है. ठीक है, वुडलैंड के शूज खरीदते हैं तो उस पर वुडलैंड का लोगो होता है. दैट इज नोन एज ट्रेडमार्क. तो ये ऑथराइजेशन किसके पास है, उस पर्टिकुलर ब्रांड के पास. और अगर कोई अदर पर्सन उस ब्रांड का साइन या लोगो लगाकर अपने कपड़े या अपने जूते बेचता है, दैट पर्सन इज कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस ट्रेडमार्क. सिमिलरली क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है कि कुछ हमारे प्रोडक्ट आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्लेस, तो वहीं उनकी पहचान जो है उस पर्टिकुलर प्लेस से. फॉर एग्जाम्पल आसाम की टी, आसाम टी, या बनारस की साड़ियाँ. ठीक है, तो ये क्या है कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को दिया गया है. इसका मतलब क्या है, नाउ दीज विल बी रिकॉग्नाइज फ्रॉम दोज प्लेसेस और उन पर उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाएंगे. ठीक है, नाउ तो रिसेंटली 7 प्रोडक्ट फ्रॉम यूपी हैव बीन गिवन दिस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. ठीक है, अब वो कौन कौन से 7 प्रोडक्ट्स हैं अब अभी हम एक बार देख लेते हैं. तो देखिएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई हैव
टैग टू 7 डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। और जो प्रोडक्ट कौन से हैं, अमरोहा ढोलक, महोबा गोरा पत्थर, हस्तशिल्प, मणिपुरी तारकशी, संबल हॉर्नक्राफ्ट, बागपत होम फर्नीचर, ठीक है, और बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, कल्पी हैंडमेड पेपर। तो इन 7 प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। सो नाउ दीज प्रोडक्ट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम देयर प्लेस, लाइक बागपत का फर्नीचर और अमरोहा की ढोलक ईटीसी। सो कोई और पर्सन अगर किसी इनके राइट को वायलेट करता है, देन लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन। नाउ वी कम टू दिस न्यूज, द कंसर्न अबाउट इंडिया यूएस डिजिटल ट्रेड, ठीक है। सो बेसिकली रिसेंट विजिट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द यूएस प्रेसिडेंट, सो वेरियस कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड बाय द यूएसए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो दीज आर रिलेटेड टू द बायलैटरल ट्रेड एंड मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। सो वन ऑफ द कंसर्न वाज दैट कि देयर इज मोर सेंसरशिप इन द इंडिया, एंड सेंसरशिप हेयर मीन्स कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया विच हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सभी को बोलने का अधिकार है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन अब अगर जो हमारी डिजिटल कंपनीज हैं या जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, अकॉर्डिंग टू देम विच इज देयर एलिगेशन कि यहाँ पर इंडिया में राइट टू फ्री स्पीच पर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, एंड बिकॉज ऑफ विच दे और देयर यूजर और देयर कस्टमर्स आर नॉट एबल टू अवेल दिस सर्विस। सेकेंड क्या है, सेकेंड कंसर्न उसका ये था कि इंडिया का जो टैक्स रिजीम है दैट इज डिफिकल्ट फॉर देम एंड इट अमाउंट टू डबल टैक्सेशन अपॉन देम, और यहाँ पर सिटीजन में और रेजिडेंट में और नॉन रेजिडेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। सेकेंड क्या है, सेकेंड उन्होंने कहा है कि जो हमारे आईटी लॉज हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं, ठीक है, या डेटा प्रोटेक्शन बिल हैं, इनमें ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं एंड देयर कंप्लायंस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो दे हैव रेज देयर कंसर्न्स रिगार्डिंग दीज सम इश्यूज। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, सेडिशन लॉ मस्ट टू रिटेन इंडियाज इंटीग्रिटी। तो बेसिकली हम समझते हैं व्हाट इज दिस सेडिशन। तो बेसिकली सेडिशन इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। सेक्शन 124A आईपीसी के अनुसार सेडिशन एक अपराध। सेडिशन क्या है, ईदर बाय स्पीकिंग और राइटिंग वर्ड्स और इन एनी अदर वे ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग्स इनटू हेट्रेड और क्रिएट दिस अफेक्शन अगेंस्ट द लीगली एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट, That person is said to commit the offense of sedition. अब हम इसको समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्पीच देता है, ऐसा भाषण देता है जो कि लोगों में भारत सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन क्रिएट करती है या उसमें भारत सरकार के खिलाफ नफरत की भावना पैदा करती है, तो ऐसा पर्सन सेडिशन का ऑफेंस करता हुआ माना जाता है। अब हम हिस्टोरिकल इसमें देखें तो बेसिकली ये ड्रैकोनियन लॉ है और जो आईपीसी हमारी 1860 में आई थी तो तब इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ सब्सिक्वेंटली द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ वाज चैलेंज्ड इन द केस ऑफ केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो एक केस था केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में सेडिशन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। ये केस कहता है, इसमें कंटेंशन क्या थी कि जो सेक्शन 124A है आईपीसी का, इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 19(1)(a). तो 19(1)(a) क्या देता है हमको, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और 124A कहता है कि अगर हमने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला तो देन द कंसर्न पर्सन विल गो टू द जेल और सब्जेक्ट टू द लाइबिलिटी ऑफ इम्प्रिज। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डिसीजन दिया कि ये जो सेडिशन का कानून है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। तो हमारा जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो कि आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया है वो जो एब्सोल्यूट नहीं है, रादर दैट इज सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस गिवन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन रिसेंटली अभी बहुत सारे लोगों के खिलाफ बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड किए गए अंडर द UAPA एक्ट में और NSA एक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेडिशन। मीन्स अगर कोई पर्सन पॉलिटिकल स्पीच देता है देन
दैट पर्सन वॉज बुक्ड अंडर दीज लॉज। तो फिर इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको एबियंस में रखा हुआ है। एबियंस का मतलब यह है कि अब इस सेक्शन के आधार पर किसी पर्सन के खिलाफ FIR रजिस्टर नहीं हुई। तो इस पर हमारे जो सेकेंड लॉ कमीशन है उसके जो चेयरपर्सन है जस्टिस अवस्थी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, 22nd लॉ कमीशन हेडेड बाय जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, इन्होंने अपना पॉइंट रखा है, अपनी रिकमेंडेशन दी है। तो ही इज नॉट इन द फेवर ऑफ रिमूविंग और स्ट्रक डाउन दिस प्रोविजंस, मीन्स द लॉ रिलेटेड टू सेडिशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार का व्यू अपना पूछा था, तो भारत सरकार ने रिकमेंडेशन मांगी है जस्टिस अवस्थी से, और जस्टिस अवस्थी का व्यू ये है कि इसको नहीं हटाना चाहिए, एंड दिस इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन विच इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्होंने ये कहा है कि इस लॉ में कुछ प्रोसीजरल सेफ गार्ड होने चाहिए। प्रोसीजरल सेफ गार्ड कैसे, जैसे अभी कोई भी पर्सन अगर सेडिशियस स्पीच देता है तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है, FIR के तुरंत बाद पुलिस को उसको अरेस्ट करने का राइट होता है, फिर वो जेल चला जाता है। इन्होंने कहा है कि जो अभी प्रोसीजर क्या होना चाहिए कि इसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर से कराई जाए, ठीक है। जनरली इन्वेस्टिगेशन कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है जो कि कांस्टेबल नहीं, मींस हेड कांस्टेबल के पास भी राइट होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर ले, लेकिन इसमें इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि ये इंस्पेक्टर के लेवल से कराई जाए, और वो विद इन वन वीक जो है रिपोर्ट सबमिट करेगा। फिर कंसर्न्ड अथॉरिटी, एक अथॉरिटी होगी जो कि ये फाइनल डिसीजन लेगी कि वेदर एन FIR शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द कंसर्न्ड पर्सन इन द गिवन सिचुएशन। तो ये कुछ इन्होंने प्रोसीजरल सेफगार्ड सजेस्ट किए, और इनका व्यू है कि सेडिशन लॉ को हमें अभी रिटेन करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल कम अगेन टू द नेक्स्ट द न्यूज एनालिसिस। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।